लेड एसिड बैटरियां बुनियादी तौर पर कार को उस वक्त तक बरकी तवानाई फराम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जब तक अल्टरनेटर बरकी करंट पैदा करना शुरू न कर। बैटरी बरकी तवानाई को केमिकल तवानाई की शक्ल में जखीरा करती है। बैटरी एक प्लास्टिक केसिंग और बैटरी सेल्स पर मुश्तमल है। इन सेल्स के अंदर मुस्बत और मनफी प्लेट्स होती हैं और ये कंगी की तरह की साख्त बनाती हैं। हर सेल 2 वोल्ट पैदा करता है, लेकिन इन सेल्स को आपस में सीरीज में जोड़ने से एक आला वोल्टेज पावर सोर्स बनाया जा सकता है। लेड एसिड वाली बैटरी में 60-70% तक चार्ज डिस्चार्ज की कारकर्दगी होती है। लेड एसिड बैटरी में सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो पानी और सल्फ्यूरिक एसिड के महलूल में डूबे होते हैं। जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज होती है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक मुस्बत चार्ज शुदा लेड डाइऑक्साइड कैथोड प्लेट और एक मनफी चार्ज शुदा लेड एनोड प्लेट बनते हैं। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड का महलूल है। जब बैटरी के ऊपर लगे मुस्बत और मनफी इलेक्ट्रोड के दरमियान इलेक्ट्रिकल लोड मुंसलिक होता है तो इलेक्ट्रॉन बैटरी से सर्किट में बहने लगते हैं, यानी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू होती है। चार्जिंग उस वक्त होती है जब बैटरी में बरकी करंट आने लग जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, लेड और लेड डाइऑक्साइड दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रद्दे अमल करते हुए लेड सल्फेट पैदा करते हैं और इस रद्दे अमल के दौरान ज्यादा पानी पैदा होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का महलूल पतला हो जाता है। बैटरी चार्ज होने पर यह अमल उल्ट हो जाता है। लेड डाइऑक्साइड मुस्बत इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर बनती है और मनफी इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर लेड बनती है। पानी के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। ये अमल हर 4 साइकिल के दौरान होता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो करंट की सिमत बैटरी चार्ज होने की सिमत के मुखालिफ होती है। डिस्चार्ज होने के दौरान लेड प्लेट लेड आयंस को जारी करती है और साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। लेड आयन लेड सल्फेट पैदा करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रद्दे अमल करते हैं। जब सर्किट बैटरी से मुंसलिक होता है, इलेक्ट्रॉन बैटरी से मुंसलिक इलेक्ट्रिकल लोड के जरिए लेड प्लेट से लेड डाइऑक्साइड प्लेट में बहने लगते हैं। डिस्चार्ज होने के दौरान लेड डाइऑक्साइड प्लेट पर लेड डाइऑक्साइड भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रद्दे अमल करके लेड सल्फेट बनाती है। इस अमल के दौरान लेड डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन आयन और इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन आयन मिलकर पानी बनाते हैं। लेड एसिड वाली बैटरी मुसलसल चार्ज और डिस्चार्ज होती है जब यह किसी इलेक्ट्रिकल लोड से मुंसलिक होता है जिसको बिजली की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर कार के स्टार्टिंग में कार बैटरी से करंट हासिल करता है और ड्राइविंग के दौरान कोई लोड बैटरी से मुंसलिक नहीं होता तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है।